ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कहा जल्दी से बाहर आओ, बाहर आओ, निकालो इसे, निकालो जल्दी, सुनाई नहीं देता। देखते रहने से अच्छा है जाकर पानी लेके आओ। हाँ लाता। घर पर रहने के लिए कहा था ना, यहाँ पर क्यों आई? इतने भारी काम क्यों करती रहती हो? बेटे और बहू के पास जाने की जल्दी है क्या? उन दोनों को तो मुझसे प्यार नहीं था, इसलिए मुझे छोड़कर चले गए। कम से कम तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, अगर तुम भी चली गई तो मेरा क्या होगा? ऐसा मत कहो, शादी के लिए 6 महीने का वक्त मांगा तुमने, तुम अकेली काम करती हो, सोचा मैं तुम्हारी मदद कर दूं। तब पता चला मेरे पापा को कि माँ ने शादी के लिए 6 महीने का टाइम क्यों लिया। उस गांव के रीति रिवाज के अनुसार शादी में पहनने वाले लड़के के कपड़े लड़की वालों के यहाँ से ही आने चाहिए। एक जोड़ी कपड़े के लिए माँ इतनी मेहनत कर रही थी। तब पिताजी को पता चला कि माँ की हालत कितनी खराब है। जो 4 बीघा जमीन माँ के पास थी, उसे उपजाऊ करके फसल काटकर उसे बेचकर उन पैसों से माँ पापा के लिए शादी के कपड़े लेने वाली है, ये सोचकर माँ के प्रति पापा का प्यार और बढ़ गया। पहले पापा माँ को सिर्फ पसंद करते थे, पर उस दिन के बाद माँ पापा के लिए उनकी जान बन गई थी। अरे खड़े क्यों हो वहां पर, पानी यहाँ लाओ। लो। कौन है ये? हमारे गांव का तो नहीं लगता। शक्ल से दिखता नहीं क्या दादी? चोर है। किसी की मोटर गाड़ी रुक गई थी, पता है उस गाड़ी के नीचे से सारे पुर्जे चुरा रहा था। क्यों बेटा, अच्छे खासे जवान हो, कोई काम क्यों नहीं करते? वही तो करने आया हूँ मैं दादी। क्या कहा? नहीं नहीं, काम की बात कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? मैं क्यों दूं? जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी दादी को यहाँ तक ले आया और तुम पानी पिलाने से भी कतरा रही हो, किस तरह की लड़की हो तुम? दादी को ले आते वक्त मुझे टुकुर टुकुर देख रहे थे, तुम्हें क्या लगा मैंने नहीं देखा? अरे अरे, और कोई मिला नहीं मुझे जो तुम्हें देखूंगा। ए, इसकी जबान तो कैची जैसी चलती है। ऐसी टेढ़ी बात करने वाला अगर 4 दिन पहले मिला होता ना। 4 दिन पहले मिलने से क्या होता? 4 दिन पहले मेरी शादी तय हुई। गांव के बहुत बड़े जमींदार है, पता है? वो बहुत बड़े लोग हैं, सब जानते हुए भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं। मैं गरीब हूँ ये जानकर भी शादी करने को मान गए। शादी के बाद दादी को अपने घर में रखने के लिए भी तैयार हैं। हाँ, अगर मुझे बुरी नजरों से देखने की कोशिश की ना तो वो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। क्या बक रही हो? पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या देखकर वो राजी हुआ, पर मैं तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा वैसा नहीं सोच रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरी शादी तय हो गई है। अगर तुम उसे देखोगी ना तो तुम भी देखती ही रह जाओगी। अच्छा सुनो ना, मेरी एक मदद करोगी क्या तुम? क्या? थोड़ी देर पहले तुम्हारी दादी के मुंह से मैंने सुना नए कपड़े गहने बाकी तैयारियां, उसके लिए 6 महीने लगेंगे, और अगर मैं इसमें तुम्हारी मदद कर दूं तो तुम्हारा ये सारा काम बस 3 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा।
तीन महीनों में? हाँ और क्या, शादी जल्दी करनी है तो मेहनत तो करनी होगी ना। तुम हमारी मदद किस लिए करोगे? असल में सीता का राम यहाँ है। यहाँ यानी? वही दादी ने कहा था ना कोई काम धंधा कर लो, तो सोचा कि कोई काम कर ही लूं। लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने मांगे क्या? इंसान पैसे कमाता है दो वक्त की रोटी के लिए, और तुम वो तो बना ही लेती हो। जब तुम अपनी बूढ़ी दादी के लिए दो रोटी बनाओगी तब दो रोटी मेरे लिए भी बना लेना, बदले में बाकी काम मैं कर लूंगा। अरे तुम्हें पानी चाहिए था ना, ये लो छास पी लो। क्या हुआ? आज खेलने के लिए तुम गेंद देने वाली थी ना दीदी? वहाँ सामने जो मोटर गाड़ी खड़ी है ना, उसमें से जो चाहिए ले लो। जाओ जाओ I love you। क्या कहा? वो मुझे जरा वो देना। तो तुमने कुछ और भी कहा ना? I love you। मतलब इंग्लिश में आई लव यू यानी हिंदी में वो मुझे दो। अरे वाह, चोर को इंग्लिश भी आती है? हाँ, सिर्फ एक लाइन आती है। ये लो। हाँ, लो। ये देखो। ये बहुत ही अच्छा है, उन्हें पसंद आएगा। राम। हाँ बोलो सीता। अब मुझे जाना होगा। तुम जा रहे हो? हाँ जा रहा हूँ, तुम्हारा काम खत्म हो गया। मेरे जैसी एक आम लड़की के लिए तुमने इतना कुछ किया। जिस लड़की से तुम शादी करोगे उसके लिए कितना कुछ करोगे। तुमसे शादी करने वाली लड़की बहुत खुशनसीब होगी। तुमसे शादी करने वाला और भी खुशनसीब होगा। कहीं दूर बैठे इंसान के लिए तुम पता नहीं क्या क्या कर रही हो। जब शादी हो जाएगी वो तुम्हारे दिल की धड़कन बन जाएगा। तुम्हारे प्यार के लिए एक जन्म काफी नहीं होगा। मैं चलता हूँ। दूसरा मुहूर्त है, पहले इनसे कहिए मंगलसूत्र बांधे। सीता बेटा, पहले मंगलसूत्र तो पहना दे, ये ले। राम। I love you. I
आई लव यू, 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 लव यू इसे कहते हैं। का नाम ही नहीं ले रहा। तुम मेरे साथ नहीं आ सकते बेटा। तो फिर तुम भी मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। चैतन्य बेटा राम, ऐसे राम, अभी आ रही हूँ जी। मत जाओ माँ, आप जाकर आइए। चैतन्य रो रहा है, मैं उसी के पास रुकती हूँ। तुम्हारे बिना जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने आग्रह किया है कि तुम्हें भी लेकर आऊं। हाँ, पर उसे बुखार है तो मैं। उसे माँ देख लेगी ना। अंजी। अंजी क्या हुआ तुम्हें? अरे कृष्णा। हाँ आया। अंजी को ले जाकर कुछ खिला दो, इसे भूख लगी है। अंजी और जरा देखो इतना क्यों भौंक रहा है। आओ राम चलते हैं, देर हो गई। हमारे देश के स्वतंत्रता का अभियान शुरू हो चुका है और गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत काफी पहले कर दी है। जब तक हमें आजादी नहीं मिलती, स्वतंत्रता संग्रामी हो या सैनिक, दोनों एक बराबर हैं। आम इंसान ही सैनिक है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दिल्ली से कुछ बड़े लोग आए हैं, वो उनसे ही मिलने गया है, शाम तक आ जाएगा। अच्छा ठीक है। दादी क्या हुआ? मेरे पेट में बहुत दर्द है। पेट में दर्द हो रहा है, पर कैसे? माँ बाबा को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। हाँ माँ। आप जरा जल्दी चलाइए ना। हाँ, बस 5 मिनट में पहुँच जाएंगे हम लोग। मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं नहीं आऊंगी। राम मैंने कहा ना माँ संभाल लेंगी बच्चे को, क्यों इतना परेशान हो रही हो तुम? मैं चेहरा दर्द से कितना तड़प रहा होगा। देखो तुम रो मत, उसे कुछ नहीं होगा, हम पहुंच जाएंगे। मेरी बात सुनो, ये लो आंसू पोछ। राम देखो रो मत। उसे कुछ नहीं होगा, हमारी दुआएं उसके साथ है, वो हमेशा खुश रहेगा, सही सलामत रहेगा। के आशीर्वाद से मैं 80 साल तक जिया। दुख का बोझ दिल पर लिए पश्चाताप से भरी जिंदगी के 80 साल। मेरे एक छोटे से मजाक की भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। दर्द का बहाना किया तो भगवान ने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया, पर 80 साल बाद जब सच में दर्द हुआ तो उसी भगवान ने उन्हें वापस फिर से भेज दिया। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरे माँ बाप फिर से एक हो जाएं, उनकी जिंदगी में बस खुशियां ही खुशियां आएं और वो दोनों बहुत खुश रहें। माँ
के पैरों में तो बिछिया नहीं है, मतलब माँ की शादी नहीं हुई, पर पापा की।